नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। लेकर जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कहां पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ हल्की बढ़त बनी है, चाहे घरेलू वायदे की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। दोनों ही मार्केट में जो सोना चांदी है उनकी कीमतों में एक उछाल आता दिखाई दिया है। अब इस उछाल के पीछे क्या क्या कारण है वो जान लेते हैं। आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में जो गोल्ड 1960 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है और जो सिल्वर 25 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रही है, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला है उससे महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सपोर्ट कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को मिला है। दूसरा, US फेडरल रिजर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव कर सकता है, जैसे पिछली बार किया था 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। इस बार ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि US फेड 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है, जिसकी वजह से उसका असर कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा। तीसरा कारण है कि चाइना में जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा है, गतिविधियाँ बंद हैं, और हम देखते हैं कि जब भी किसी तरह की कोई आपदा आती है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है पेंडेमिक वाली, तो गोल्ड सिल्वर की जो सेफ हेवन डिमांड है, जो सुरक्षित निवेश मांग है, वो निकल जाती है। तो चाइना की तरफ से गोल्ड और सिल्वर की जो सेफ हेवन डिमांड है थोड़ी बहुत वो देखने को मिली है। इसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज हैं उनको आज कुछ सपोर्ट मिलता नज़र आया है। कीमतें ज़्यादा तेज़ी की ओर तो नहीं गई हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि कल के मुकाबले आज सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें हल्की बढ़त ज़रूर देखने को मिली है। जो सोना चांदी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे 1920 से 1940 डॉलर के दायरे में, वही सोना अब 1960 डॉलर पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। वहीं MCX सिल्वर जो कि 66,000 पर ट्रेड करती नज़र आ रही थी, वही MCX सिल्वर अब देख रहे हैं 68,000 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है। सोने चांदी का जो बाज़ार है आज कुछ तेज़ी की ओर निकला है। यहीं से बात करेंगे अब कच्चे तेल की। तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि WTI 96 डॉलर पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 डॉलर पर। कल के मुकाबले WTI में आज एक डॉलर की बढ़त है, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल वही सेम लेवल पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कच्चे तेल में देख रहे हैं कि कल जो लाल निशान देखने को मिला था आज वो हरे निशान पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। अब कच्चे तेल के बाज़ार में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं ऐसी बड़ी जो आगे जाके कच्चे तेल को तेज़ी की या मंदी की ओर लेके जा सकती हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला कि पहले तो ये है कि चाइना में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से वहाँ से कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम हुई है, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक नरमी का रुख देखने को मिला। दूसरा, अमेरिका हो गया, उसके सहयोगी देश हो गए, यूरोपीय देश, उनका कहना है कि रशिया से कच्चा तेल जितना हो सके उतना कम कच्चा तेल की जो खरीद है रशिया से जितना कम हो सके उतना करें। भारत को भी यही कहा जा रहा है अलग दूसरे देशों द्वारा कि भारत जो है रूस का कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन जो रशिया है भारत को अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स पर कच्चा तेल सप्लाई कर रहा है, तो भारत उसकी खरीद कर रहा है। अभी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की जो प्रक्रिया है वो और तेज़ होती नज़र आ सकती हैं, ऐसा यूरोपीय और अमेरिका का कहना है। यूरोपीय देश और अमेरिका अभी रशिया के ऊपर और प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो थोड़ी बहुत अब कच्चे तेल की जो सप्लाई जो भी देखने को मिल रही है उस वो प्रभावित हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, वो कम हो जाएगी। और ओपेक का भी बयान आया है कि अगर रशिया के ऊपर अब न्यू सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं उनमें उछाल देखने को मिलेगा। आज उसी का असर है, कच्चे तेल की जो मार्केट है कल के मुकाबले आज कुछ हल्की बढ़त के साथ खुली है और हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड करती नज़र आ रही है। अभी जैसे जैसे बयान आते रहेंगे कच्चे तेल के ऊपर वैसे वैसे ही कीमतों में यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिलती रहेगी। अभी एक दूसरे नज़रिए से अगर देखें कच्चे तेल के बाज़ार को, तो अमेरिका ने कहा था कि वो अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अब जिस हिसाब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है और दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, तो
तो अमेरिका की भी पूरी पूरी कोशिश है कि वो जो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों की मार्केट है उसको कैप्चर करे, उसको पूरी कवर करे। ऐसा करने से अगर अमेरिका कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा देता है और अमेरिका से सप्लाई होती है कच्चे तेल की, तो इसका पूरा पूरा फायदा अमेरिका को मिलेगा और वो यूरोप को भी सप्लाई कर पाएगा जो कि इस समय रशिया के ऊपर निर्भर है नेचुरल गैस और क्रूड के लिए। तो ऐसे में अमेरिका भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ी हुई मार्केट को कैप्चर करने की। तो आज के कारोबारी सत्र में कच्चे तेल में क्या रणनीति रहेगी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, कच्चे तेल में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ हल्की बढ़त है। WTI $1 की तेजी के साथ है, कल $95 पर था, आज $96 पर है। ब्रेंट $100 पर ही है, लेकिन लाल निशान से हरे निशान में तब्दील जरूर हुई है कच्चे तेल की मार्केट। आपको क्या लगता है, अब कच्चे तेल का बाजार क्या धीरे धीरे तेज होने वाला है? देखिए, अभी फिलहाल जो है कच्चे तेल में तेजी का दौर अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा सा बाजार दूसरे स्तरों पर सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी काफी स्थितियां जो है फेड की अगली मीटिंग है उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी बाजार जो है उसी के चलते आज हम सोने में भी खरीदारी देख रहे हैं और कच्चा तेल भी निचले स्तरों पर थोड़ा सा उठता हुआ दिखाई दिया है। ये शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा सस्टेन। अगर ये $100 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से फिर तेजी की तरफ जा सकता है, अदरवाइज छुटपुट रिकवरी मार्केट में बनी रह सकती है, और इंट्राडे में देखा जाए तो आज डोमेस्टिक मार्केट में 7360 तक की तेजी पकड़ सकता है। जी, ये सर पर जी, गोल्ड और सिल्वर की भी मार्केट देख रहे हैं, आज तेज देखने को मिली है। जो गोल्ड 1920 से $1940 की रेंज में था, आज वो $1960 पर निकला है। वही चांदी भी $25 के ऊपर है। MCX सिल्वर 66,000 से 68,000 पर ट्रेड करती नजर आई है, सीधे 2,000 का उछाल MCX सिल्वर में भी देखने को मिला है। आपकी क्या राय रहेगी, क्या अब सोने चांदी में यहाँ से कुछ दिनों के लिए तेजी बनने वाली है, या फिर जो बाजार है फिर से सीमित दायरे में भी देखने को मिलेगा? देखिए, वही अभी जो है इन्वेस्टर की नजर फेड की मीटिंग के ऊपर है, और उसके चलते एक बार फिर से इन्फ्लेशन का जो डर है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से सोने और चांदी में सेफ हेवन डिमांड निकलती हुई दिखाई दी है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल बाजार तेजी में नहीं है, अभी रेंज बाउंड है। $1960 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर आप लंबी तेजी की तरफ आप देख सकते हैं कि सोना एक बार फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में हो सकता है कि 52,800 तक एक बार तेजी देखने को मिले। जी सर, रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स के बाजार की, तो बेस मेटल्स का बाजार भी आज ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स के बाजार में भी आज कुछ रौनक लौटी है, आपको क्या लगता है, ये जो बेस मेटल्स में एक दिन गिरावट एक दिन तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, और आगे जाके बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, बेस मेटल में लगातार बाजारों में हमने तेजी ही देखी है, और अभी जो गिरावट की आप बात कर रहे हो वो हल्की फुल्की गिरावट है, और वो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें देखने को मिली है, क्योंकि लगातार मार्केट में तेजी का दौर बना रहा और उसके बाद अब मार्केट जो है थोड़ा सा निचले स्तरों पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की सी करेक्शन जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट फिलहाल गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि बेस मेटल में तेजी का ही दौर बना रह सकता है, और बेस मेटल में निचले स्तरों पर फिलहाल फिलहाल खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए, चाहे वो लेड हो या फिर कॉपर या फिर जिंक, इन सभी में बाजार जो है वो तेजी की तरफ ही है, और आगे चलकर भी डिमांड पिकअप हो सकती है और कंटिन्यूशन में मार्केट तेज रह सकती है। आप जिंक देखिए, लगातार ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है, इसमें करेक्शन नहीं है, 361 पर आज भी हम इसको देख रहे हैं, तो जिंक जो है ऊपर में अगर यहाँ से अब तेजी पकड़ेगा तो 380 से लेकर 400 तक ऊपर जा सकता है, तो बेस मेटल काफी पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से बेस मेटल में बाइंग में रहना चाहिए। जी, ये सिर्फ जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो MCX पर हमने नेचुरल गैस की कीमतों में आज को बहुत अच्छी तेजी आते हुए देखी है, 3.5% की बढ़त है। नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं MCX पर ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, नेचुरल गैस में जो तेजी बनी है वो क्यों बनी है, और क्या नेचुरल गैस का बाजार यहाँ से लगातार अब तेजी की ओर ही रहेगा, या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली भी आएगी? देखिए, एनर्जी संकट के चलते अभी हमने नेचुरल गैस में भी तेजी आते हुए देखी है, और नेचुरल गैस अभी कंटिन्यूशन में तेज है, और समर्स में एक बार फिर से डिमांड पिकअप होने के चलते बाजारों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है, और जिस तरीके से टेक्निकली अगर हम देखें तो जो तेजी पकड़ी है नेचुरल गैस ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और ऊपर में भी अभी देख रहे हैं कि 500 के ऊपर निकल चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली में अभी भी जा सकता है, और ऊपर में जो तेजी रहेगी वो अब 500 के बाद ऊपर
सस्टेनेबिलिटी रहने पर 520 का आज अगर ब्रेक हो जाता है लेवल, तो आप इसको 540 से 560 तक ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो यानी काफी अच्छा पॉजिटिव अभी मोमेंटम बनता हुआ नेचुरल गैस में दिखाई दे रहा है जी। रूपा जी, टॉपिक्स किने देने चाहेंगे आप? नॉन एग्री में देख रहे हैं कि आज नॉन एग्री में रौनक लौटी है एक बार फिर से। देखिए आज नॉन एग्री में मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में ही बाइंग की तरफ रहना चाहिए। बेस मेटल के साथ साथ आज हल्का जो है वो एनर्जी सेक्टर में भी बाइंग में जाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी आज इंट्राडे में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।